गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैरिज हॉल में सेक्ट मास्टर चैन पहुंचकर वहां के सभी डेमन्स को मार उन सभी लोगों को अब नॉर्मल कर देते हैं। अब आगे जहां हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि सेक्ट मास्टर अब नीचे आ जाते हैं, अब उन्हें देखकर सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। पर तभी सेक्ट मास्टर की नज़र वहाँ लू गुआन पर चली जाती है। तभी वो उसके पास आ उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम तो हमारे सेक्ट के सबसे अच्छे डिसाइपल में से एक हो, तो फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। जिस पर लू गुआन कहता है, मैं तो बस उन सभी डेमन्स को मारना चाहता था, पर मैंने उस गार्ड लीडर पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती कर ली, इसलिए आप मुझे अब जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। तभी अब मास्टर चैन की नज़र प्रिंसेस यूनी पर पड़ जाती है, जिस पर प्रिंसेस यूनी कहती है कि मैं सेज एम्पायर की प्रिंसेस यूनी हूँ। तभी अब मास्टर चैन यह सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं तो आपसे कब से मिलना चाह रहा था, जब से मैंने सुना था कि जिन्यू सेक्ट ने आपको पकड़ने का ऑर्डर दिया है। पर अच्छा हुआ जो आप यहाँ खुद ही आ गई, क्योंकि अब मैं आपसे मिल सकता हूँ। जिस पर प्रिंसेस यूनी कहती है कि मैं आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ वांग की वजह से पहुँच पाई हूँ, और इसी ने मुझे अभी तक के सभी खतरों से बचाया है। अब यह सुन मास्टर चैन खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो बताओ तुम्हें इसके बदले मुझसे क्या चाहिए। जिस पर वांग अपने घुटनों पर बैठ कहता है कि मैं तो बस टियानलैंड सेक्ट ज्वाइन कर आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। अब यह सुन वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वांग सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बनना चाहता था। पर यह सुन लू गुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो कहता है कि वांग एक बदमाश और लालची लड़का है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उसे कुछ भी देना चाहिए। जिस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें। तभी अब लू गुआन कहता है कि अभी हमारा सेक्ट बस आपकी वजह से ही बच पाया है, क्योंकि हमारे बेल गार्ड्स ने सही टाइम पर इमरजेंसी बेल को बजाकर आपको बुला लिया था, इसलिए आपको कुछ देना भी है तो उन्हें दीजिए, वांग को नहीं। पर तभी इतने में ही वो इमरजेंसी बेल के गार्ड चैंग को पकड़ यहाँ ले आते हैं और सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि ना जाने ये आदमी कहाँ से जमीन के नीचे से बाहर आ सीधा हमारे इमरजेंसी बेल को बजा दिया था। तभी अब चैंग के पकड़े जाने के कारण चैंग को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी उसकी नज़र वहाँ वांग पर पड़ जाती है, जिसे वो अपने घुटनों पर बैठा देख सोचने लगता है कि क्या अब हमारा सारा भांडा फूट चुका है, वांग भी पकड़ा जा चुका है। तभी अब चैंग सेक्ट मास्टर से कहने लगता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद वो वांग की तरफ देख कहता है कि इसी आदमी ने मुझसे जबरदस्ती इमरजेंसी बेल को बजवाया था। अब यह सब सुन सेक्ट मास्टर वांग से कहते हैं कि ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम तो काफी स्मार्ट लड़के हो, और मुझे यह सब जानकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अब तुमको अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वांग उनको थैंक यू बोलता है। पर यह सब देख चैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जहाँ प्रिंसेस यूनी भी वांग का सपना पूरा होता देख खुश हो रही होती है। तभी अब कुछ देर बाद एक जगह पर सेक्ट मास्टर वांग के अंदर कुछ टेक्निक्स को डाल रहे होते हैं। अब उन टेक्निक्स को डालने के बाद वांग और सेक्ट मास्टर चलते चलते आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वांग सेक्ट मास्टर से कहता है कि मेरी तो कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, फिर भी आपने मुझे अपना डिसाइपल कैसे बना लिया, और मैं अपनी कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि तभी मैं आपके सेक्ट की मदद कर पाऊंगा। जिस पर सेक्ट मास्टर एक ट्रेजर को बाहर निकाल कहते हैं कि ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसकी मदद से तुम डेमन्स को मार उनकी कल्टीवेशन पावर को अपने अंदर ले सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन आसानी से बढ़ जाएगी। जिस पर वांग कहता है, क्या आप मुझे ये ट्रेजर दे सकते हैं? पर तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं कि इस ट्रेजर से मिलने वाले डीमंस की पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जो तुम अभी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। तभी
तब सेक्ट मास्टर वहाँ पर ग्रेड 4 इस कॉटिक बुक को बाहर निकाल वांग से कहते हैं, टेस्ट को दे सकते हो, जिसके बाद ये बुक्स तुम्हारी कैपेसिटी के अनुसार तुम्हें स्किल सिखाएंगी, साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन को भी बढ़ाने में मदद करेगी। अब इतना बोल सेक्ट मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वांग उनमें से एक बुक के अंदर चला जाता है और वांग के अंदर जाते ही उसके सामने उस बुक को गार्ड कर रहा गार्डियन स्प्रिट आ जाता है और वांग को देख उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बचने की वांग भी कोशिश कर रहा होता है, पर वांग उस गार्डियन स्प्रिट के अटैक को नहीं झेल पाता है और उस बुक से सीधा बाहर हो जाता है, जिस पर वांग की स्वॉर्ड स्प्रिट उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम इनमें से कोई भी इस स्कॉटिक बुक के अटैक को झेल पाओगे। तभी अब वांग दूसरी स्कॉटिक बुक के अंदर चला जाता है, पर वहाँ की भी वो गार्डियन स्प्रिट वांग पर अपने आइस अटैक से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे बचकर वांग इधर उधर भाग रहा होता है, पर वांग फिर से उसके अटैक से नहीं बच पाता और दोबारा से स्कॉटिक बुक से बाहर हो जाता है, जिसके बाद इसी तरह से वांग तीसरी और चौथी स्कॉटिक बुक के अंदर चला जाता है, पर वहां के भी गार्डियन स्प्रिट के अटैक को वो रोक नहीं पाता और वहां से भी बाहर हो जाता है। तभी उसके स्वॉर्ड स्प्रिट उससे कहती है कि तुम्हें अपनी डिवाइन स्वॉर्ड के स्किल को यूज करना चाहिए था, जिस पर वांग कहता है, ये स्वॉर्ड तो मेरे अंदर कब से पड़ी हुई है, पर मुझे नहीं पता कि उसकी कुछ स्किल्स भी हैं। तभी वो स्वॉर्ड स्प्रिट कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन ही काफी ज्यादा लो है और इसीलिए तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड की स्किल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब यह सब सुन वांग वहीं बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, पर तभी कुछ देर बाद सेक मास्टर वांग के पास आ जाते हैं, जहां वांग उनसे कहता है, मैं इन स्कॉटिक बुक के किसी भी अटैक को झेल नहीं पाया, जिस पर अब सेक मास्टर वो ट्रेजर को बाहर निकाल वांग को देते हुए कहते हैं, इस ट्रेजर की पावर को अपने अंदर लेने की अपनी बेस्ट कोशिश करो। तभी अब वांग उसकी पावर को अपने अंदर लेना शुरू कर देता है, जहां देखते ही देखते वांग सीधा उस ट्रेजर की 9 ग्रेड तक की कल्टीवेशन को अपने अंदर ले लेता है, जिस कारण वहां एक ब्लास्ट भी हो जाता है। अब यह देखकर सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वांग सेक्ट मास्टर को इसके लिए थैंक यू बोलता है, जहां थोड़ी देर बाद एक जगह पर सेक्ट मास्टर को वांग को फिर से कोई टेक्निक सिखाते हुए देखते हैं, जिसके बाद चैंग वहां कहता है कि तुम तो अब यहाँ के हीरो बन चुके हो। पर तभी अचानक से वांग को कुछ महसूस होने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके अंदर की डिवाइन स्वॉर्ड अब एक्टिवेट होने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।